बथुए के परांठे। बथुए के परांठे बनाने के लिए हमने बथुआ लिया है, जिसको हमने साफ पानी में वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब इसको हमें गैस पर बॉईल करने के लिए रखा है। हम आज 2 तरीके से बनाएंगे बथुए के परांठे, और सर्दियों में ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बथुआ में बेसिकली वैसे भी सर्दियों में ही मिलता है, तो आइए बनाना शुरू कर दे। ये हमने 2 बार धो लिया है, अच्छे से वॉश करना है हमें, क्योंकि इससे मिट्टी वगैरह लगी होती है। और धोने के बाद इसको हम बॉईल करने के लिए गैस पर रखेंगे। बथुए के परांठे में डालने के लिए हमने लहसुन ली है 8 से 10 कली, और ये हरी मिर्च ली है, ये साथ में ही हमें बॉईल करनी है। जिस बथुए को बॉईल करेंगे उसी में इनको हम डाल देंगे, तो इसी में बॉईल हो। ये गैस पे हमने पानी रख दिया है, एक पतीले में गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम ये हरी मिर्च लहसुन साथ में, और इसमें डाल देंगे हम बथुए को डाल देंगे इसी में। इसी में हम बथुए के पराठे में खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखना। ये बथुआ में सर्दियों के टाइम पर ही मिलता है। इसके पराठे आज हम 2 तरीके से बना के बताएंगे आपको। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। इसको बॉईल होने देते हैं। बथुए के परांठे हम आलू के भी बनाएंगे, और सिंपल 2 तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं। इसको हम एक बाउल में डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, इसमें मिक्स कर देंगे। आप 2 तरीके से बनाकर ये खा सकते हैं। इसमें साथ ही ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे आप, जितना नमक। लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, हाथों से मिक्स करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे हम। मिक्स हमने आलू का मिक्स कर लिया है, ये हमने बना के रेडी कर लिया है पराठों में भरने के लिए। इसको हम साइड में रख देंगे, ढक करके साइड में रख देंगे, जब तक हम बथुआ देखते हैं हमारा बथुआ बॉईल हो गया क्या। बथुए को हम एक बार चेक करेंगे, बथुआ हमारा बॉईल हो रहा है। इसको हमें 2 मिनट और बॉईल करना है, इसको हमें 2 मिनट के लिए और बॉईल करना है। अभी ये अच्छी तरीके से बॉईल नहीं हुआ है। बथुआ हमारा बॉईल हो चुका है, गैस को करेंगे बंद। गैस को हम कर देंगे बंद, गैस कर दी बंद। इसको हम निकालेंगे, अब इसको निकाल के हमें तुरंत ठंडे पानी में डालना है। बथुए को निकाल के हमें ठंडे पानी में डालना है सीधा, ताकि इसका ग्रीनपन बना रहे। ठंडे पानी में निकाल देंगे इसको। बथुए को हमने निकाल लिया है और इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। थोड़ा ठंडे पानी में डाल के हमें इसको मिक्सी के जार में पीसना है। इसको हम निकाल लेंगे। अब बथुए को हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसमें जो हरी मिर्च डाली थी हमने वो भी डाल ली, लहसुन भी डाल लिया, और इसमें 1 पिंच हम डालेंगे अदरक। इसको हमें अब पीसना है मिक्सी में, थोड़ा महीन पीसना है। बथुए को हमने मिक्सी जार में पीस लिया है, बथुआ हमारा पीस चुका है। अब बथुए का हम डो लगाएंगे पराठों के लिए। ये हमने आटा लिया है डो लगाने के लिए। इसमें हम डालेंगे नमक ऐड करेंगे, इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। जीरा भी डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर भी डालेंगे, धनिया पाउडर थोड़ी सी इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए।
अजवाइन, अजवाइन से तो बहुत अच्छा स्वाद आता है पराठों में। ये अजवाइन डालेंगे हम, थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें हींग, हींग के बिना तो पराठा बन ही नहीं सकता है भाई, तो इसमें ऐड करेंगे हम हींग। अब हम करेंगे इसको मिक्स, इसको कर लेंगे मिक्स, मिक्स कर लेंगे इसको, इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बथुआ को ऐड करेंगे जिसको हमने मिक्सी जार में पीसा था, बथुआ ऐड कर देंगे। बथुए को डालने के बाद हमें पानी उतना ही यूज करना है जितना हमें नीड होगी, नहीं तो पहले तो हमें बथुआ से ही डो लगाएंगे, कम पड़ेगा, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। बथुए को हमने डाल लिया है, अब हम आटा गूंथेंगे। पहले हमें इसी से गूंथना है, बथुए से ही, बथुए के पराठे हमें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरीके से हमें गूंथना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, हमने एक गिलास पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें हम, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि हमें पतला डो तैयार नहीं करना है, मीडियम ही रखना है हमें, जैसा पराठों का होता है उसी हिसाब से हमें डो लगाना है। डो हमारा लग चुका है, लग के तैयार हो चुका है। बथुए में इतना सा पानी लग गया एक गिलास में से डो में, ये हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे हम। डो हमारा रेडी है बिल्कुल, इसमें डालेंगे आटा सूखा। अब पराठे हम शुरू करते हैं, इसके भी 2 तरीके से हम बथुए के पराठे बनाएंगे, तो बिल्कुल नई रेसिपी अच्छे, और आप इस बार इस तरीके से बना कर एक बार ज़रूर देखना, आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। गैस पर रखते हैं तवा, गैस पर हमने तवा रख दिया है, अब हम बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हम गोल गोल लोई लेंगे, उसको गोल गोल करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम सूखे आटे में डिप करेंगे। बेलन लेंगे, उसकी सहायता से हम बेलेंगे इसको। पराठे को बेलेंगे हम, तरीके से बेलेंगे हम। थोड़ी सी करेंगे इसमें ऑयलिंग, इसको इस तरीके से लेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे इस तरीके से, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और फिर बेलेंगे। इस तरीके से हम बेलेंगे इसको, पराठा हमने बेल दिया है, इतना ही मोटा रखना है हमें पराठा। अब इसको हम तवे पर डालेंगे, पराठा हमने तवे पर डाल दिया है, इसको हल्का ब्राउन होने देते हैं जब तक हम इसको एक और बेलते हैं पराठा। इसमें भी ग्रीसिंग करेंगे, पराठा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको पलट देंगे इस तरीके से। इस पे हम घी लगा देंगे, आप चाहो घी लगा सकते हो, आप चाहो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसी को लगा सकते हो आप। इस तरीके से लगा देंगे हम, फिर पलट देंगे, फिर ऑयलिंग करेंगे इस पे इसी तरीके से पलट देंगे हम पराठे को।
इसको हम फिर से बनाएंगे, एक और पराठा और बनाएंगे, इसी तरीके से हम बनाएंगे जब तक ये पराठा सिक रहा है, जब तक हम इसको भी बेल लेते हैं। पलट देंगे पराठे को, पराठा हमारा सिक चुका है। पराठा बेल लिया है, ये भी पराठा हमारा सिक चुका है, ये पराठा हमारा सिक चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। पराठा हमारा सिक चुका है, इसको हम निकालेंगे। अब दूसरा पराठा बनाएंगे इसी तरीके से सारे पराठे, इसको भी ग्रीसिंग करेंगे। इसी तरीके से इसको हम ग्रीसिंग करेंगे। जैसे देखा जाए तो पराठे हमें सर्दियों के टाइम पर ही अच्छे लगते हैं, बथुए के पराठे मिल जाए तो क्या कहने। इस तरीके से हम बथुए के पराठे बनाएंगे इस तरीके से। अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये पराठा भी हमारा सिक चुका है, इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अब हम दूसरा तरीका से पराठे बनाएंगे बथुआ का, इसको बेलेंगे। बेल के इसको मीडियम ही बेलना है, इसको हमें ज़्यादा नहीं बेलना है। बेल लिया है, इसमें जो हमने आलू का जो भरता हमने तैयार किया था उसको डालेंगे इसमें। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखना, आलू का भरता डालेंगे हम इस तरीके से, करेंगे इसको बांध देंगे इसको। प्रेस करेंगे धीरे धीरे से। आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखना बथुए के पराठे, और सूखे आटे में इसको डिप करेंगे धीरे से, उसको बेलेंगे हम। आसानी से बेल जाता है, बेलेंगे इसको हम। बेल चुका है, इसको हम तवे पर डालेंगे, इसको भी ब्राउन होने तक पकाते हैं। इसको भी ब्राउन होने तक पकाना है हमें। अब इसको हम पलट देंगे, दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेकने देते हैं। ऑयलिंग करेंगे इससे, आगे आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाना। पराठा हमारा बन चुका है, इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। बथुए के पराठे हमारे बन के रेडी हैं। आप इसी तरीके से बथुए के पराठे दो तरीके से बना के खा सकते हैं। देखो आप कितना स्वादिष्ट बथुए का पराठा बना हुआ है। आप इसी तरीके से बनाकर, ये बथुए का सिंपल पराठा है, ये बथुए का आलू का भरवा पराठा है, आप इसी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।